The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. दोस्तों ये सारी चीजें अगर आपको दिखाई जाएं, एक चेयर पे एक बर्गर, हैमबर्गर, एक डोनट, सिगरेट और दारू, ये चार चीज़ें रखी हों, तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी चीज़ सबसे डेंजरस है आपके लिए या आपके बच्चों के लिए? सबसे डेंजरस चीज़ इसमें से कौन सी है? इसमें से सबसे डेंजरस चीज़ जो है वो है ये चेयर। जी हाँ, ये कुर्सी। आपके पैर बने हैं आप काम करने के लिए। कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ चेयर है ही नहीं, लेकिन हम पूरा दिन चेयर में बैठे रहते हैं। हमारा पूरा का पूरा दिनचर्या ही चेयर में रहती है। हम सुबह उठ के जब खाना नाश्ता करते हैं, गाड़ी में जाते हैं, ऑफिस में बैठे हैं, या हम फिर ऑफिस से वॉशरूम जाएं या खाना खाएं लंच में, राइट, हम फिर कार में बैठ के शाम को कहीं जाके खाते पीते हैं, फिर वापस कार में बैठते हैं और फिर जाके शायद टीवी देखें घर में आराम से बैठे, या सो गए तो भी हम लेटे हैं, राइट। उसके बाद में भी फिर हम उठते हैं, नाश्ता करते हैं, डिनर पे बाहर जाओ या सिनेमा हॉल में जाओ, कहीं भी जाओ हम बैठे हैं, राइट। सो इस तरीके से अगर आप देखोगे 2010 की एक स्टडी है, 2011 की एक स्टडी में, कि 3000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो स्टडी में देखा गया था कि उनकी इनएक्टिविटी, जो 6 घंटे से ज़्यादा की इनएक्टिविटी, 94% तक उनको ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कैंसर हो जाने के। 94 ऑलमोस्ट 100%, यानी अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो कितनी, 3-4 घंटे से ज़्यादा अगर आप एक साथ बैठेंगे तो दिक्कत होती है। जी हाँ, इंडिपेंडेंटली फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं है तो अपने आप के लिए वो कितनी हानिकारक हो सकती है, राइट। जितने हमने जो सर्वे हुए हैं आज तक, आधे से ज़्यादा लोग जो हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो मेडिकल जब उनका एग्जामिनेशन होता है तो उनकी हड्डियों में, उनके बैठने के वजह से उनके बॉडी के अंदर इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मेडिकल स्टडीज़ बताती हैं, फिटनेस लेवल कम होता है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ कम होती है, बॉडी के अंदर फैट इंडेक्स जो है बैठे बैठे बढ़ जाता है, और अल्कोहलिक फैट, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की डिजीज़ होने लगती है, बीमारियाँ बढ़ती है, ब्रेकियल फीमोरल आर्टरी का रिस्पॉन्स जो है बैठने से वो बढ़ जाता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल के वजह से लिटरली डिप्रेशन भी हो सकता है, मस्कुलर मसल मास कम हो सकती है, राइट, और मल्टीपल्स यू नो डायबिटीज़ और आपके अंदर मसल्स जो हैं, इंसुलिन हो गया, पैनक्रियाज हो गया, इन सब में प्रॉब्लम आती है, डायबिटीज़ हो सकता है, राइट, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम अगर होगी, ग्लूकोस मेटाबॉलिज्म से प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्री डायबिटीज़ देखा जाएगा तो उसमें भी यूनिवर्सिटीज़ देखी गई हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ने देखा है कि लेटे लेटे लाइपोप्रोटीन में आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, आपकी बॉडी के अंदर मोटापा डेवलप होता है, फैट डिपॉजिट होता है, हार्ट डिजीज़ बढ़ती है बैठने भर के वजह से, किडनी डिजीजेस बढ़ती हैं, राइट। देखिए कई चीज़ें फिट और ओवरवेट पीपल दोनों को होती हैं, लेकिन ओवरवेट पीपल जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। जो एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा बहुत रिस्क कम कर लेते हैं, राइट, आपको, राइट, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के यूनिवर्सिटीज़ ने आज तक उस पर रिसर्च करके देखा है। तो अगर हम बोलेंगे 23 आवर्स से ज़्यादा अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल रखते हैं, मतलब 64% से ज़्यादा रिस्क हो जाएगा आपका हार्ट डिजीज से मर जाने का, डेथ का। 11% से ज़्यादा, 11 घंटे से ज़्यादा अगर आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करते हो तो बॉडी के अंदर, तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का और दूसरी बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है, कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी का रिस्क भी हो जाता है। तो पूरे दिन बैठे रहना अपने आप में बहुत ख़राब है। बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, सडन डेथ हो सकती है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, आपका सांस में दिक्कत, पीठ में दिक्कत, हर्नीएटेड डिस्क, लंबर स्पाइन प्रॉब्लम, राइट, पैरों में वेरिकोज वेन्स बार बार, एंकल में थ्रोम्बोसिस, राइट, डीजनरेटेड हिप की प्रॉब्लम, आपके कमर में आपको सैगिंग हिप्स, बट सैग हो जाती है, मसल्स वीक हो जाती हैं, सर्कुलेशन कट ऑफ हो सकता है, पूरी बॉडी स्विच डाउन हो सकती है। धीरे धीरे ये चेयर आपकी पूरी ज़िंदगी को यू नो ख़राब कर रही है।
राइट इसके ऊपर कई रिसर्च भी हुए हैं जो आप देख सकते हैं सर्च करके, राइट हम तो आपको बताएंगे कि थोड़ा बहुत वॉक करना चाहिए आपको, फैक्ट्रीज में जहाँ पे भी खड़े होके कॉन्फ्रेंसेस करिए, बैठने की जगह राइट खड़े होके काम करो, बैठने की जगह स्टैंडिंग चीज़ लो, जो जो कई सारे आते हैं गूगल पे आपको देखोगे कई सारी कंपनीज भी अभी यही कर रही है, स्टैंडिंग डेस्क डाल रही हैं वर्किंग पे, आप चलते चलते भी काम कर रहे हैं लोग। सो काम ज़रूरी है लेकिन आपको बैठना ज़रूरी नहीं है, आपको इनएक्टिव रहना ज़रूरी नहीं है, आपको इनएक्टिव होने के वजह से आपके अंदर बीमारियां आ रही हैं, तो इनएक्टिविटी छोड़ दीजिए। बहुत सिंपल सा फंडा है इसका कि आपकी बॉडी जब खड़ी भी होती है तो इतनी सारी मसल्स इस्तेमाल होती हैं बैलेंस के लिए, राइट वो मसल्स अपने आप में अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है जब आप सिर्फ मात्र खड़े भी हों तो। सो खड़े होना भी बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू बैठे रहना, राइट आप गिरते नहीं हो बिकॉज आपकी कोर बॉडी बैलेंस करके रखती है आपको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी में आपका पेट कम हो सकता है मात्र ज़्यादा देर तक खड़े रहने से, राइट सो बातें करते हुए, काम करते हुए, वॉक करते हुए, कुछ भी करते हुए खड़े रहिए, प्ले करिए, डांस करिए, एक्सरसाइज करिए, ये भी लाइफ के पार्ट होने चाहिए। प्रॉपर एक्सरसाइजेस इम्पॉर्टेंट है लाइफ, आपके लाइफस्टाइल में, राइट एलिवेटर्स उनको छोड़ दीजिए, घर में थोड़ा काम वाम, गार्डनिंग करो, घर में बच्चों को इन्वॉल्व करो, राइट खुद की गाड़ी खुद साफ कर लिया करो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपके पैर बने हैं, आपके आधा शरीर आपका पैर है, आधे से ज़्यादा शरीर आपका पैर है, उसको वैल्यू दो और बैठो मत, खड़े हो जाओ।